ये भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ अवैस की बात पे कि जब आपके पास सुपरस्टार बॉलिंग लाइनअप हो तो फिर पिच मैटर नहीं करती, उनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा होता है कि वो कहीं ना कहीं भी आपको विकेट लेके दे देते हैं। हाँ, विकेट लेके देते हैं, मगर देखें जहाँ पर स्पिन हो रहा हो, यहाँ पर जहाँ पर आप जो है आम बॉल कर रहे हो वहाँ विकेट लेनी चाहिए आपको। और हम शादाब की अगर बात करेंगे तो शादाब ने 57 रन दिए हैं और कोई आउट नहीं किया लास्ट मैच में, तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसामा मीर जो है वो भी काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं टीम में आए, तो यूटिलाइज करना चाहिए। फिर नवाज कंसिस्टेंट 2-3 साल से खेल रहे हैं आपके पास एज ऑलराउंडर भी, तो ओवरऑल देखें अभी अच्छे मैचेस आना शुरू होंगे। आप बैटिंग पैटर्स पिच थी मुल्तान की, उसके बाद अब जहाँ डॉजी अगर उसामा मीर को चांस दे देते हैं, लेट सपोज उसामा मीर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो क्या आप समझते नहीं कि बैकअप में कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में हमें इमाद वसीम को रखना चाहिए? देखें अब तो टीम अनाउंस हो चुकी है, वर्ल्ड कप भी आ रहा है, अगर किसी भी स्लॉट में प्लेयर्स को लेते हैं, वर्ल्ड कप की अभी होनी है मगर उसके बाद फ्रेंचाइज में कितनी जबरदस्त खेलते रहे हैं। बैटिंग में भी इम्प्रूव किया इमाद वसीम ने और सारी फ्रेंचाइज की लीग्स में भी खेल रहे हैं वो, तो ये पहले से डिसाइड करना चाहिए आपको। मगर इतनी इन्वेस्टमेंट आपने नवाज पे की हुई है। फिर शादाब की अगर आप बात कर रहे हैं तो शादाब एज ए बॉलिंग में कॉन्सेंट्रेशन उनको करनी चाहिए, बैटिंग में ज़्यादा कर रहे होते हैं, बॉलिंग में उनकी वो एक ट्रम्प कार्ड वाली जो है विकेट थ्रू देने वाली जो होती है वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, तो उनको बॉलिंग में इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फास्ट बॉलर देखें पाकिस्तान का, अब तक अटैकिंग बॉलर सबसे बेस्ट प्लेयर चल रहा है तीनों का फास्ट बॉलिंग में, अगर देखें हारिस किस तरह से फॉर्म में आए हुए हैं, नसीम शाह ने इम्प्रूव किया, आउट स्विंग कर रहे हैं, इन स्विंग कर रहे हैं, बॉडी से दूर करते हैं, शाहिन शाह रिहैब के बाद वापस आ गए हैं, तो हमारा मिडिल जो बॉलर्स में है वो इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले मैचेस जो होंगे। लेकिन असल में ये तो बड़े बॉलर्स हैं, मैं इससे पहले कि अवैस की तरफ चलूँ, बड़े बॉलर्स आप ले जाते हैं इंडिया के खिलाफ, क्या समझते नहीं कि हमें चेंजेस करनी चाहिए? शाहिन शाह की जगह इंडिया के खिलाफ जब मैच हो तो बाबर आजम से बॉलिंग में ओपनिंग करवानी चाहिए, रिजवान से करवानी चाहिए, ताकि यार जिस तरह वो आज नेपाल को मार रहे थे कम अज़ कम वो स्कोर तो मारें। देखिए वो तो है, मगर उनको जो द्रविड़ है रॉयल द्रविड़ उनको बताना चाहिए कि जो वर्कआउट हो रहा है वो इन स्विंग पे हो रहा है, इन स्विंग पे वर्कआउट करें और वहां पर ज्यादा बेहतर होगा, वहां उस पे वर्कआउट करें ना सर, वो इन स्विंग पे कहां पे वर्कआउट करेंगे, उनके बॉलर ही 130-135 वाले बॉलर्स हैं सर। मैं वही कह रहा हूं ना कि नेपाल के जो है एसोसिएट्स की टीम है ये उनके लिए टास्टिंग दिया, एक लेग स्पिनर पे फिर भी चांस मिला है जो मिड विकेट पे रोहित खेलने गए, वहां कैच हो सकता था डीप विकेट पे, वो कैच ड्रॉप किया है। अगेन के ऐसी प्लेयर्स जो है ऐसी बॉलिंग के खिलाफ तो वेट कर रहे थे कि मैं कब फॉर्म में आऊंगा, वो फॉर्म नजर आ गई इन दोनों बैट्समैन की। अच्छा, रोहित शर्मा तो बेबस हो गए थे उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास नसीम शाह नहीं है, हमारे पास शाहिन शाह आफरीदी नहीं है या फिर हारिस रऊफ जैसा पेस नहीं, हम जो पेसर्स हैं उन्हीं को खेलेंगे और डर तो उनको बैक एंड पे है कि किसी भी वक्त वो कोलैप्स कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमारे खिलाफ लेटली वो अच्छा खेले हैं जब वो विराट कोहली ने फिनिश किया था आपको याद होगा, लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून है जब से ये बॉलिंग लाइनअप आई है। देखिए एक चीज़ अपना, क्योंकि असनैन भाई अगर आप ओवरऑल बात करें तो एक तो आपको पता है दो चीज़ों से इंडियन टीम से कोई गुजरी, एक तो क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेकेंडली रोहित शर्मा पे आपको पता है बहुत ज़्यादा बैक एंड पे क्रिटिसिज्म होता है। आपको याद हो कि उनके कुछ खबरें आती हैं कि उनके जो प्लेयर्स हैं वो इनकी रवैये से नाखुश हैं, आपको पता है जो जिस वक्त वो अपना टेंपर लूज़ करते हैं, तो आपने वो पिछले एशिया कप में भी देखा है, वर्ल्ड कप में भी देखा है किस किस्म का वो रवैया रखते हैं। फिर दूसरा मुझे याद है कि आपने विराट कोहली को जब उतारा था उसके बाद आपने कहा जी रोहित शर्मा आ गए हैं, रोहित शर्मा टीम को संभालेंगे। इस वक्त अगर एज फैक्टर देखूँ तो ऑलमोस्ट अपने वो डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रोहित शर्मा जा रहे हैं। अभी भी अगर आप आज मैच की बात करें, मैं दोनों बैट्समैन की बात करूँ, क्योंकि शुभनाम गिल का मुझे पता है कि बार बार उनकी चाहे लीग क्रिकेट की बात करें, आईपीएल की बात करें, चाहे डबल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं, आई गेस वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है, बहुत ज़्यादा बैंक किया जाता है कि जी शुभनाम गिल आने वाले वक्तों में एक बहुत बड़ा ग्रेट बैट्समैन होगा, हो गए ऑब्वियसली मैं कहता हूँ, लेकिन भी कहते थे केएल राहुल को भी याद हो लेकिन अगर आप उनके असल में मैंने अभी तक उनकी जितनी भी शॉट्स देखी हैं, खास करके जब आप बैक फुट पर जाते हो, ओपन करते हो ब्लेड को खेलने के लिए, वो कभी भी अपना क्लोज टू द बॉडी नहीं है, वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हैं, दैट मींस कि वही इन स्विंग वाला प्रिंस भी कहते हैं, एक चीज इंटरप्ट वो प्रिंस भी कहते हैं। जितने भी ओपनर्स आप देखेंगे ना इंडियंस के, तो वो आईपीएल में धनाधन शॉटें मार रहे होते हैं, स्क्वायर पे मार रहे होते हैं, ऑफ द आउट ऑफ द क्रीज होके मारे होते हैं, मगर जहां पर थोड़ी सी लेंथ बॉलिंग मिलती है, सीम वाली बॉलिंग, लेफ्ट हैंड पे वहां सारे स्ट्रगल कर रहे हैं। सर आईपीएल की विकेट्स भी तो डिफरेंट होती है ना, आईपीएल की देखें अगर आप उनको देख लें जब वो स्लाइस भी कर रहे हैं, तो उस वक्त मैं देख रहा हूँ क्लोज टू द बॉडी, हसन भाई वाली बात ठीक है, क्लोज टू द बॉडी है ही नहीं, क्योंकि आपके फिर वो चीज जब एक फास्ट बॉलर लगा होता है, खास करके जिसकी बॉल इन स्विंग है, देखें आप शाहीन की बात करते हैं, हारिस की बात करते हैं, मैं ज्यादा सीरियसली कह रहा हूँ, मुझे शायद लोग मुझे इस चीज पे पसंद ना करें, मैं ज्यादा रेट नसीम शाह को करता हूँ इस सेंस में, नसीम शाह ने जिस तरीके से नसीम शाह राइट नाउ इज लीडिंग द टीम ऑफ पाकिस्तान, आपको याद हो देखें पिछले साल शाहीन वॉजन द, नसीम शाह आपका लीडिंग फास्ट बॉलर था। सबसे अच्छी चीज जो एक राइट आर्म फास्ट बॉलर की होती है, चाहे वो लेफ्ट आर्म की हो, जो दो तरफ स्विंग करवा सके, exactly. आपने नसीम शाह को देखा है वो आउट स्विंग भी खिलाता रहता है, उसके बाद उसकी जो इन स्विंग कटर है वो तेज आता है बीच में, जिसमें आपने ज्यादातर बैट्समैन को देखा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन विकेट्स भी ऑब्वियसली सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आप हेमरटूटा में मैचेस करवाते हो, वहां पर
स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स थोड़ा बहुत सपोर्ट होता है, ग्रास जरूर उसके ऊपर मौजूद है, हसन भाई बेहतर समझाएंगे क्योंकि वहां पर हसन भाई खेले हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना सपोर्टिव है, लेकिन वो कर लें कि 10 जो 7-8 जो ओवर्स हैं आपके वहां तक वो सपोर्टिव है, उसके बाद स्लो एंड स्टडी वो विकेट स्लो होता जाता है। आप शादाब खान की बात कर रहे थे, शादाब खान का मुझे अगर याद है थोड़ा से पहले आप चले जाएँ, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कहा जाता था कि अपना जो इमरान ताहिर के बाद सबसे बेस्ट जो गूगली है वो शादाब खान की है, वो ज़्यादा फ्लाइट करवाते थे उस वक्त, बॉल को कोशिश करते थे इन दी एयर जो उनसे थोड़ा पुश करूं। अब शादाब खान को आप थोड़ा सा देखें, मुझे खुद समझ में कभी कभी नहीं आती, वो तेज़ करवाने की कोशिश करते हैं जिसमें उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती विकेट से। दूसरी बात हसन भाई की बिल्कुल ठीक है, जब एक बैट्समैन के दिमाग में ये चीज़ आ जाए ना कि मैंने यार बैटिंग में भी लीड फ्रॉम द फ्रंट करना है, बॉलर की बात स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि उसका अलग अगर डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता जो कि इरफान पठान के साथ हुआ था, ही वॉज अ क्लास फास्ट बॉलर, आपने उसको जानबूझ के घुसाया, तीसरे नंबर पे खिलाया, पांचवे पे खिलाया, ओपन कराया, जब आपके सामने की बात है वो सिर्फ कमेंट्री में शादाब खान को किसी ने नहीं घुमाया, वो खुद घूमे खुद तो घूमे, लेकिन खुद घूमेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और कंपटीशन के लिए देखें आप उसामा मीर को रेडी किया हुआ है अभी, उन्होंने जब इंग्लैंड की सीरीज हुई इसमें अच्छी बॉलिंग की, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई इसमें अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उसामा मीर रेडी है बेचारा, एक डेढ़ साल से सर्किट में है, 27-28 साल उसकी उम्र हो चुकी है, कब वो पाकिस्तान के लिए रेडी होगा? नहीं बॉलिंग भी कर रहे हैं, देखें आप उनके आम में कर रहे हैं हसन भाई, लेकिन मौका कब मिलेगा? मौका जब मिलेगा, जब वाइस कैप्टन अगर ऊपर से होंगे तो जब भी मौका मिलेगा, और मौका मिलना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हम सीनियरिटी पे जाएं, जहां पर जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा है उसकी जगह लेके आए। आप देखें ना किसी जमाने में सकलेन मुश्ताक कितने सीनियर होते थे, लेकिन जब मलिक ने आना स्टार्ट किया तो सकलेन मुश्ताक पीछे चलना, एज ए बैटर एज ए फील्डर आए थे हमारे साथ, मुझे भी याद है और मेरे साथ भी खेले हुए और याद होगा आप, लेकिन उन्होंने सकलेन मुश्ताक को आगे चैलेंज किया था, उनके स्पॉट होते हुए उन्होंने बॉलिंग की है शारजा में, जब हम खेले 4 बॉलर 5 स्पिनर्स खेले शारजा में, अरशद खान, सकलेन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, अब कितने कितने नाम गिनाऊंगा आपको मैं, तो उसके बाद फिर वो बैट्समैन भी बन गए और बॉलर भी बन गए, तो आप जब टाई डालते हैं किसी तरह टाई को ऊपर लेके आए और कंट्री के लिए जब खेल रहे हैं आप, तो उसको चांस दें, मौका दें और बिठा के ऐसे जाया ना करें, जैसे सऊ शकील भी गए हुए हैं और भी प्लेयर गए हुए हैं, अगर आगे पीछे कहीं मौका मिलता है आपको उसको यूटिलाइज किया करें आप।